जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं सबसे खतरनाक शत्रु मारण हांडी मूठ प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, लोग केवल बातें करते हैं ये प्रयोग कर दूंगा ये कर दूंगा, लेकिन शत्रु मारण मूठ हांडी प्रयोग सबसे खतरनाक प्रयोग है। इसको अपने गुरु के परामर्श से ही करना चाहिए। कोई भी अनभिज्ञ आदमी पूर्ण रूप से जो पारंगत नहीं है, शिव साधना, सब साधना, शमशान की साधना, और जिसके पास सिद्धि नहीं है, वह ऊटपटांग प्रयोग न करे, वरना इस प्रयोग का आपको दुष्परिणाम भी मिल सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों रविवार के दिन या अमावस्या के दिन ये प्रयोग किया जाता है। रविवार की रात्रि को आपको शमशान में जाना है और आपको एक इस प्रकार की हांडी ले लेनी है, शमशान की एक हांडी, और उस हांडी में जो भी आपका शत्रु है उस शत्रु का आप फोटो ले लीजिए। कोई भी आप इस प्रकार से एक फ़ोटो आपको ले लेना है और फोटो को आपको हांडी में रख देना है। दोस्तों, ये प्रयोग इतना खतरनाक है, प्रचंड है, कि विदिन कुछ ही घंटों में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आपको लेना है एक मुट्ठी उड़द और 7 बार इसको घुमा के हांडी में रख देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको एक मुट्ठी पीली सरसों आपको हांडी में रख देना है, और आप चाहते हैं कि मेरा शत्रु तड़प तड़प कर मरे तो आपको लेनी पड़ेगी 108 छोटी छोटी मछलियाँ, छोटी छोटी फिशेस, इस प्रकार की मछलियाँ लेके आना है, जो जिस दिन सुबह पकड़ी हुई होगी और शाम को आपको लेके आना है वही ताज़ा मछलियाँ। 108 मछली आपको हांडी में रखनी है। 108 मछली की तरह तड़पेगा आपका शत्रु। ये प्रयोग आजमाया हुआ है, सफल है, सिद्ध है। इस प्रकार से 108 आपको गिन के हांडी के अंदर 108 मछलियाँ छोड़नी है, ताकि शत्रु आपका तड़प तड़प कर मछली की तरह मरेगा। और फिर आपको लेनी है एक नींबू और उस पर एक सुई, इस प्रकार से आप डालेंगे शत्रु का नाम, पिता का नाम और उसका निवास स्थान, और उसको इस प्रकार से हाथ में लेना है, और कुछ पुष्प हाथ में लेकर आपको संकल्प लेना है कि बोलो हे माँ भद्रकाली, माँ चामुंडा, काल भैरव, आज जो मैं अमुक शत्रु का, जो भी रविवार अमुक तिथि नक्षत्र में वार में जो भी मैं शत्रु मारण हांडी प्रयोग करने जा रहा हूँ, ये हांडी मारण मूठ प्रयोग सफल और सिद्ध हो, ये सब चीज़ें आप उसमें डालेंगे। और फिर एक बात का विशेष ध्यान देंगे, 108 आपको आहुति देनी है, जो मैं मंत्र बताता हूँ उस मंत्र की 108 आहुति आपको देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में आपको बकरे का, काले बकरे का भोग देना है। 108 मंत्र इस प्रकार से हैं: काली मिर्च, जौ, लौंग और कस्तूरी गंध, कामा के सिंदूर, ये सब चीज़ें आप इसमें मिला लेंगे। और मंत्र इस प्रकार से रहेगा, मंत्र देखिए आप, ओम ह्रीम क्लीम अमुक शत्रु दह दह पच पच उन्मूलय उन्मूलय अकाल मृत्यु ओम फट स्वाहा। फिर से आप मंत्र देखिए, ओम ह्रीम क्लीम अमुक शत्रु दह दह पच पच उन्मूलय उन्मूलय अकाल मृत्यु ओम फट स्वाहा। इसकी आप 108 आहुति देने के बाद में काले बकरे का भोग देंगे, और उस काले बकरे का रक्त, जैसे एक झटके में जो रक्त निकलेगा, उस रक्त को आप, इसको अच्छे से बताइए रक्त, इस प्रकार से एक काले बकरे का रक्त है जिसको आपको हांडी में डालना है। 108 मछलियाँ डाल दी और एक मुट्ठी पीली सरसों डाल दिया, एक मुट्ठी आपको उड़द डाल दी और नींबू के ऊपर पिन मार के सुई डाल दिया। सब चीज़ें आपको मैं बार बार समझाता हूँ ताकि कोई प्रकार की इस खतरनाक विद्या में कोई त्रुटि नहीं रहे। और फिर एक लाल कपड़े में, लाल कपड़ा आपको
इस प्रकार से हांडी के ऊपर बांध देना है। लाल कपड़ा आपको इस प्रकार से हांडी के ऊपर बांध कर आपको हांडी मोड़ छोड़नी है। ओम यम देवता का नाम लेना है। प्राण जो लेते हैं वो यम देवता होते हैं। यम देवता जिस व्यक्ति का मैंने हांडी मारण मोड़ प्रयोग किया है और उसका आज अकाल मृत्यु हो जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, उसका शत्रु मारण हो जाए और वह मछली की तरह तड़प तड़प कर मरे, ऐसी हमारी ये साधना स्वीकार करो। जय माँ भद्रकाली माँ चामुंडा। इस प्रकार से आपको लेनी और शमशान की कुछ राख हांडी के ऊपर इस प्रकार से छोड़नी है और आत्माओं का आह्वान करना है। हे शमशान की पवित्र आत्माओं, जो मैंने मारण हांडी प्रयोग किया है और शक्ति को भोग दिया मैंने काले बकरे का, ये साधना हमारी सफल और सिद्ध हो और मेरा शत्रु का सर्वनाश हो, अकाल मृत्यु हो, शत्रु तड़प तड़प कर मरे, ऐसी हमारी ये शत्रु हांडी मारण मूड प्रयोग साधना सफल और सिद्ध हो। फिर उसके बाद में 7 बार शमशान की चिता के ऊपर 7 बार घुमाएंगे और उसके ऊपर उसको चिता के ऊपर ही ऐसे कैसे रात भर छोड़ देंगे ताकि जो आत्मा है वो जागृत हो जाए और जिसका फोटो आपने हांडी में डाला है उसका भोग लेने के लिए तत्पर हो जाए। फिर दोस्तों सुबह में जाकर ये हांडी आपको शमशान के अंदर सुबह में अर्ली मॉर्निंग में 7-8 बजे जाकर इस हांडी को जहाँ पर आपने साधना की है उसी को उसमें ही ज़मीन में डाल देना है। आप देखेंगे विद इन फ्यू आवर्स में शत्रु का सर्वनाश होगा और शत्रु अगर आपने मछली के ऊपर मंत्र जो बोला है तो शत्रु सड़ सड़ कर मरेगा। जैसी आपकी भावना, जैसा आप बोलोगे वैसा ही शत्रु के साथ में उसका काम होगा। तो दोस्तों ये साधना 100% आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। आप करके देखें, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन करने से पहले अच्छे गुरु का परामर्श अवश्य ले लें ताकि इस साधना का दुष्परिणाम आपके ऊपर ना ही हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं घर बैठे आपको और भी खतरनाक प्रयोग घर बैठे आपको सिखा सकूं, एक सफल तांत्रिक आपको घर बैठे बना सकूं। धन्यवाद। नमस्कार। माता रानी आप सबका भला करें।